मेरे YouTube चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। अगर आप लोग स्वास्थ्य के साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो आप लोग को अच्छी लगे तो जन जन तक पहुंचाएं ताकि घर घर में योग हो। ये हमारे साथ आप भी जुड़कर योग से और लोगों को लाभ दिलाने में मेरा मदद अवश्य करें। और वीडियो आप लोग को कैसी लगती है कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूं कि गांव के बच्चों को योग के बारे में कैसे प्रोत्साहित करें और उन्हें योग की तरफ क्यों कैसे प्रेरणा दें और वो कैसे खेलें कूदें ताली बजाएं हंसें और अपने आप को स्वस्थ रख सकें और दवाइयों से दूर रह सकें। धन्यवाद। ओम। तो सबसे पहले क्या करेंगे, फेफड़ा में पूरा हवा भरेंगे और हवा भर करके खूब कस करके हंसेंगे। जब तक सांस है तब तक हंसेंगे, लकड़ी कड़ी तक हंसेंगे, ठीक है। और दोनों हाथ ऊपर करके बिंदास होकर के डरेंगे नहीं, ठीक है। तो लंबा गहरा श्वास लीजिए साहब, फेफड़ा में खींच लिया, अब हंसो। फिर से एक बार, आवाज नहीं आ रहा दोस्त, इससे क्या फायदा, सब बच्चा बोलो, बीमारी नहीं होगा, बीमारी दूर होगा, है ना। और आप स्वस्थ होइएगा, फेफड़े में लंबा हवा भरिएगा, स्टेमिना आएगा। स्टेमिना कैसे आता है बोलो, अरे ऐसे नहीं आता, लंबा सांस खींचने से आता है। सब बोलो, लंबा सांस खींचने से आदमी स्वस्थ हो सकता है, ठीक है ना। आ जाओ बाबू, आप लोग भी आ जाओ, ज्यादा बड़े तो नहीं, आपसे बहुत बड़े हूँ मैं, आ जाइए। आप लोग के गांव में आया हूँ तो जरूर कुछ सीखिए या तो फिर हमको कुछ सिखा दीजिए। फुटबॉल खिलाड़ी सब है तो यही बैच एक बार एक दो बार हम लोग करवाए थे क्या आप लोग, जब थोड़ा छोटे थे, चार पाँच साल पहले की बात बता रहा हूँ। यही सब है कि कोई मुझे याद कर रहा है, कोई पहचान रहा है, अगर वो कितना लोग पहचान रहा, हाथ खड़ा करना ये। अच्छा, एक ही बंदा जान रहा है, तुम लोग ये लोगों को पहचानता है, तुम्हारे गांव के भैया लोग हैं, हैं? कौन भैया इसमें सबसे बढ़िया भैया कौन है, बताओ जल्दी बताओ। चार भैया, पांच भैया है, पांच भैया में सबसे बढ़िया भैया कौन है, टोपरी भैया। हाथ खड़ा करो उसके लिए, उसके लिए सब हाथ खड़ा करो, अरे हाथ खड़ा करो जो जो कहता है क्यों बढ़िया भैया, है। अरे भाई क्या बात है, पूरा लीड है यार, तू भी सबसे बढ़िया। आप लोग सभी लोग कॉलेज में पढ़ते हो बाबू, कॉलेज में चले गए आप लोग, कहाँ पे, यही बड़ी कॉलेज में। अच्छा, संजय बड़वाल प्रिंसिपल है आपका, संजय बड़वाल ना, चलिए आ जाओ बेटा, तू भी आ जाओ, हमसे क्या दुश्मनी है यार, आ जाओ यार, आ जाओ आ जाओ, आप लोग भी खड़े हो जाओ। हाँ तो लाइन में आप लोग को बोले देखे डिसिप्लिन, हर चीज में डिसिप्लिन, अगर अच्छे खड़े लगे हो तो आपके गांव के लोग अच्छे लगे बोलेंगे सभी लोग, और मेरे को पहचानते हैं। एक लड़का तो जान ही रहा, मैं योगा कराता हूँ और करता हूँ बाबू, उसके लिए आया था तो मैं आप लोग को बताया था, आपके गाँव में गाँव है ना, यहाँ हम लोग की जो सो इतना फेवरेट था, ये लोग जान रहे हैं आपके ये अंकल हुए ना अरविंद जी, तो अरविंद जी के पास पैसे के पास से आ रहे हैं हम लोग, करीब 9-10 साल हो गए बेटे, तो 9-10 साल से हम आपके गांव में आता हूँ, एक किसी किसी संस्था में जुड़ के आता हूँ, समझ रहे हैं। पहले पतंजलि देते अभी भी है पतंजलि में, और ये भी दूसरे संस्था के द्वारा भी आ रहा हूँ आप लोग के बीच, बस एक चाहत है कि योग करेंगे लोग निरोग होंगे, जितने लोगों को ज्ञान फैलाइए उतना फायदा। आप लोग बड़े हैं, अपने घरों में सबको स्वस्थ रखना तुम लोग का काम है, अभी आगे की पीढ़ी लोग के बाद हम लोग तुम्ही लोग हो, चलो चलो। तो अभी सबसे पहले एक राज बता रहा हूँ आप लोग स्वस्थ रहने का, जो आप सब बच्चों को बताता हूँ, लंबा सांस खींचना। आपके जैसे बहुत लड़के आते हैं मेरे क्लास में, पार्क के अंदर में जहाँ मैं परमानेंट योग करवाता हूँ, यहाँ तो आपको जगाने आता हूँ,
यहाँ किस लिए आता हूँ? जगाने आता हूँ। किस गांव का कौन सा बच्चा कितना मेहनती है, सबका नाम लिखेंगे। इस सब बच्चे में लीडर कौन है, कौन लिख सकता बढ़िया से बताइए। चलो तुम्हारा काम है, इस गांव के तुम्हारे क्षेत्र के जितने बच्चे हैं सबका नाम और उनका नंबर, व्हाट्सएप नंबर क्या हमको अवेलेबल करवाएंगे, ठीक है। मैं आपका एक ग्रुप बनाऊंगा, उसमें मैं योग करूंगा भी और योग करवाऊंगा भी। आप लोगों का भी जो है वीडियो बनाऊंगा, आपके अंदर भी कोई टैलेंट है तो उसको मैं सामने लेकर के आऊंगा। बात समझ रहे हैं? बहुत सारे गांव में बहुत अच्छे योग करते हैं लड़के, थोड़ा सा गाइडलाइन देने की जरूरत होती है। स्टेमिना बहुत ज़्यादा बिल्ड होता है, लेकिन स्टेमिना कैसे आती है नए लड़कों को भी नहीं पता। अभी जाते भर्ती होने के लिए किसी डिफेंस वगैरह में, बोलता छाती फुलाओ, ऐसे ऐसे करते रह जाते हैं, छाती भी नहीं फूलती है। लेकिन आपको अगर पता होगा योग की बातें तो आप अच्छा से फुला पाओगे। फुलाने के लिए क्या करना है, सब बच्चे बोलो लंबा गहरा श्वास लेंगे, क्या लेंगे, लंबा गहरा श्वास लेंगे, पूरे फेफड़े में हवा भर लेंगे और भरने के बाद छाती को फुला देंगे, छाती मेरा चौड़ा हो जाएगा, क्या होगा, चौड़ा हो जाएगा, यही तो करना है। और शरीर में पूरा ऑक्सीजन दे देंगे तो कोई बीमारी नहीं होगी, है ना। और इसके बाद ताली बजाने से क्या होता है, अभी आप लोगों ने बजाया था, सभी लोग बजाएंगे, बड़े बूढ़े सब योग सिंचका लोग, आप पीछे मत छुपिए, चलिए आगे में आइए, ठीक है ना। और ये आपकी ये सासू माँ है क्या, दादी है, दादी जी भी ताली बजाएंगे, कस के बजाएंगे, ठीक है ना। इसमें चोट लगना चाहिए, ताली बजाएंगे तो इसमें चोट लगना चाहिए, तो जोर से ताली बजाएंगे, पूरे गाँव के लोग को सुनना चाहिए कि ताली बज रही है कहीं, ठीक है, बजाएंगे, चलो मेरे साथ बजाएंगे, चलो बहुत बढ़िया, और कर, हाथ लाल होना चाहिए, शर्माइए मत, ताली बजाएंगे, बहुत बढ़िया। ऐसा अगर आप नहीं करोगे ना कोई बीमारी नहीं होगा, कहोगे दोनों हाथ में बहुत शक्ति है और ये दोनों आपस में जब जब टकराती है ना तो आपके अंदर एक ऊर्जा एक पावर होता है, पावर आती है आपके शरीर के अंदर में, एक ऊर्जा आती है, आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़िया होता है। तो यही ताली बजाना है, जब मौका मिले मंदिर में जाओ तो ताली बजा लो, कोई पार्टी हो तो ताली बजा लो, है ना, यही ताली बजाएंगे। और हंसने क्या फायदे हैं बताइए, कहते हैं कि लंबा सांस लेंगे, आखिरी कड़ी तक श्वास को निकालेंगे, तो बार बार किसी चीज में हवा भरेंगे और निकालेंगे तो कैसा हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा, मुलायम हो जाएगा। बात तो समझ रहे हैं, नया गुब्बारा फुलाती है पावर लगता है ना, जब पुराना हो जाता है उसमें कुछ देर हवा भर के बांध दो और छोड़ दो तो कैसा हो जाता, सॉफ्ट हो जाता है। तो हमारा फेफड़ा भी वैसा ही है, हम लंबा सांस बार बार लेंगे और छोड़ेंगे तो हो जाएगा सॉफ्ट, उसमें ज्यादा प्राण भर सकते हैं, ज्यादा ऑक्सीजन भर सकते हैं। जब ऑक्सीजन भरेंगे तो पूरे शरीर को ऑक्सीजन मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा, स्वास्थ्य बढ़िया होगा कि नहीं होगा, सारे सेल को क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए या नहीं चाहिए, तो हमारे शरीर का सेल है तो उसका पोसेगा पालेगा के, अपना घर में तोता रखेगा उसको खिलाएगा के, बकरी रखेगा उसको खिलाएगा के, तो हमारा शरीर के अंदर जो सेल है उसके लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन देगा कौन, हम देंगे, देंगे कि नहीं देंगे, कितने लोग देंगे हाथ खड़ा करना, ऑक्सीजन लेंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है। कौन बच्चा हल्ला कौन कर सकता है, जीभ निकाल कर, अरे आप लोग नहीं सिखाते हैं क्या, आप नहीं सिखाए हो बच्चे को, अर्जुन जी आइए नमूना दीजिए, चलिए आइए आइए दीजिए दीजिए ना, अरे सिंहासन का नमूना दीजिए, खड़े खड़े दीजिए, कोई जरूरी नहीं है कि हम सिंह के जैसा बने, तो ऐसा करना है गरजना है, गरजना है तो कैसे कर देंगे, जीभ को पूरा बाहर निकाल देंगे, जितना बाहर निकाल सकते हैं और गला से आवाज करेंगे, ठीक है, करके ताकि ये चीज हिल जाए, क्या हिल जाए, सभी लड़के बड़े लोग लड़के लोग को बोल रहा हूँ, ये क्या होगा, हिल जाएगा, हिल जाएगा, जब इसमें वाइब्रेशन होगा तो यहाँ पे जो ग्रंथियां हैं आपकी पारा थायराइड ग्रंथि बोलते हैं और थायराइड ग्लैंड, ये दोनों ग्लैंड क्या होगा, सक्रिय होगा, और जब सक्रिय होगा तो बढ़िया हार्मोन आपके अंदर रिलीज करेगा, थायराइड की समस्या आ रही ना तो सब खत्म होगा इससे, तो बढ़िया से जीभ निकालेंगे और सभी लोग चिल्लाएंगे, कैसे चिल्लाएंगे, हमारे साथ सब बच्चे चिल्लाएंगे,
क्या होगा, पूरा ऑक्सीजन हमारा कार्बन डाइऑक्साइड पूरा शरीर से बाहर भी निकल जाएगा और इसका भी ग्लैंड भी हमारा बढ़िया हो जाएगा। तो स्वस्थ रहने के लिए सब करना जरूरी है। आप लोग ग्राउंड जाते हो तो खूब हल्ला भी करो और फायदा भी लो। फायदा कैसे लोगे, लंबा सांस लो, खूब जितना हल्ला कर सको, ठीक है। क्या क्या सीख गए आज आप लोग, ताली बजाना सीख गए, हंसना सीख गए, हंसे गए हैं, लंबा गहरा श्वास ले। इस बच्चे के लिए जोरदार ताली सभी बच्चे बजाओ, बहुत बढ़िया। अच्छा आप लोग को ताड़ासन कराए, ताड़ासन का फायदा कौन बताएगा, हाथ खड़ा करो। ताड़ासन अभी कराया करो भी आप लोग को, ऐसे करके लंबा होने के लिए। तो जो जो बताया सही जवाब दिया उसके लिए जोरदार ताली होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। कहीं कोई काम है क्या आप लोगों को, कुछ करना है क्या बाबू, बहुत समय लग गया है, कहीं बोर तो नहीं हो रहे हो आप लोग के। लाइक की चीज बताऊंगा, अगर आप लोग को चाहिए मेरे पास मिलिएगा, आप अपने पूरे टीम का बड़े बच्चों में, ठीक है, बहुत कुछ सीखने के लिए है जो अपने बड़े भाई से अपने पिता से शेयर नहीं करते हो, मेरे साथ शेयर करो, मैं आपको दूंगा बढ़िया टिप्स दूंगा, गलत रास्ते का नहीं अच्छे रास्ते का, ठीक है। जहाँ स्वास्थ्य भी बढ़िया रहेगा जानकारी भी आपको अच्छी मिलेगी। कभी मत सोचिएगा, बड़ा भाई मान करके समझ लीजिए, आप समझ लीजिए मेरे बड़े भाई छोटे भाई है, ठीक है। कभी भी कटके मत रहने की कोशिश कीजिए, आप गांव के बड़े भाई हैं, इन लोगों के नजर में आप लोग को अच्छा बनना है, समझ रहे हैं, तब आपको इज्जत करेंगे। घर भी बच्चे हैं ना, तो सब जगह जाते हैं, हर गांव में जाते हैं, हर जगह करवाते हैं, सब लोगों को खूब घर जो खूब लंबा सांस लो, खूब एक्सरसाइज करो, खूब खेलो। क्या कौन कौन बच्चा खेलता है जी, अरे क्या बात है, तो एक टीम बनाएंगे बढ़िया सा, ठीक है, और देखेंगे दोनों टीम में कंपटीशन करवा देंगे, कौन कितना कस के हल्ला कर सकता है, कौन कितना कस के ताली बजा सकता है, कौन कितना लंबा दौड़ सकता है, किसके अंदर ज्यादा स्टेमिना है, बैंड निकालता है कितना बच्चा बैंड निकालता है, सो बताओ बैंड मतलब टिप्स, टिप वो बच्चा लोग सब जानता होगा, बड़ा वाला सब टिप्स निकल लगाते हो आप लोग, लगाते हो आप लोग, तो कौन कौन जानता है, जरा हाथ खड़ा कर रहा है टिप्स लगाना, बस एक बच्चा जानता, आप नहीं जानते, आप नहीं जानते, अरे डिप्स जानते हैं तो फिर मैं लगाऊंगा तो तुम नहीं लगा सकते हो, तुम छोटे हो, हम तो बड़े, तो हम डिप्स लगाएंगे, आप लगाइए, और छोटे बच्चे भी हमारे को देख करके सीखेंगे। डिप्स लगाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे रखेंगे जमीन पे हाथ को, सभी रखिए, रखिए सब बच्चा लोग रखिए, सब पावर वाला बच्चा है सब, और सब जो है सब जब करेंगे बैंड करेंगे तो नीचे जाएगा, अरे आप लोग भी कर लो बाबू, तो अभी क्या करेंगे बैंड, चलो नीचे, ऊपर नीचे नहीं, बराबर बॉडी को बराबर रखेंगे, फिर आप डाउन, चलो फिर अच्छा आप बैंड, बैंड हो गया, बैंड हो गया, बैंड हो गया, नीचे नीचे नीचे, शाबाश है, अरे स्टेमिना है बच्चों में भाई, आप चलो बैंड 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 बैंड, अच्छा चलो जाने दो, ऐसा है कि पांच छो अपने अपने मम्मी के नाम पे, अरे हराने हो ना, अपने अपने माँ के नाम पे पांच बैंड लगाएंगे, ठीक है, तो शुरू करते हैं, एक दो तीन चार पांच, तो अभी मम्मी के लिए पांच लगाए तो कम से कम तीन तो लगा लो पापा के लिए यार, तीन लगा लेते हैं और ठीक, तो पापा के लिए तीन ही लगा लो कम से कम, एक दो तीन, पापा के लिए हो गया यार, जिसका जिसका बड़ा भाई है वो भी बैंड लगाएगा, छोटा भाई के लिए कौन लगाएगा, अरे बहन के लिए कौन लगाएगा, अरे ले यार ये सब टूट गया है भाई, चलो हाथ झाड़ लो, बढ़िया सा हाथ झाड़ लो, अरे बच्चा लोग तो बहुत खुश है रे भाई, अच्छा कौन कौन बच्चा खुश है सो बताओ, तो अच्छा गेम होना चाहिए आपके गांव में, मत गड़ा करो, अरे शर्माओ नहीं, इतने बड़े नहीं हो गए बाबू है, इनसे बड़े हो आप भी हाथ खड़ा कर लो, बहुत बढ़िया, देखो प्रतिमा भी हाथ खड़ा करो, अरे देखिए जब हमारी चाची खड़ा कर सकती है फिर कौन नहीं खड़ा कर सकता भाई साहब, बताइए सबको स्वस्थ रहना है ना, ठीक है, तो नाम हमको कौन देगा, डाउन कर लीजिए हाथ,
नाम कौन कौन देगा हमारे को? अच्छा कराटे जूडो कराटे कितने सीखना चाहते हैं इसको बताओ? जूडो कराटे भी हाँ? अरे वेरी गुड यार, क्या बात है, वीडियो अलग देखा दे रहा। ये भी करेगा ये, शाबाश, तुम हिल भी लिया कर भाई। अरे वाह वाह वाह, हाथ खड़ा कर रहे जरा सा। कितने बजे बच्चे जो है जूडो कराटे करना चाहते हैं? मैं सिखाऊंगा आप लोग को, ठीक है? जब भी समय मिलेगा तो आप लोग को मैं सिखाऊंगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो तो लोगों तक पहुंचा दे, बड़े बूढ़े सभी लोग देखें, और जिन लोगों को अच्छा लगे इसको शेयर जरूर करें। इसका लाभ सभी लोग को उठाना चाहिए, गांव गांव में, घर घर में योग जाना चाहिए और बच्चे को खुश रखना चाहिए, बड़े बूढ़े सभी लोग खुश रहे, ताली बजाए, हंसे, इस तरह से एंजॉयमेंट में अपने स्वास्थ्य को बढ़िया बनाए। धन्यवाद हो।